मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली में चांदनी चौक में पैदा हुई थी। 3 साल की उम्र में मौजपुर एक छोटी सी जगह है दिल्ली में, वहाँ पर शिफ्ट हो गई और वहीं पे पली बड़ी हूँ। शुरुआती जो दौर है मेरा वो बहुत मैं एक बिजनेस फैमिली, एक मेरे पापा बिजनेसमैन है, बनिया फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो सब लोग वहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो उनका भी यही सपना था कि मैं भी बिजनेस ही करूँगी। तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। मैंने इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, फिर उसके बाद मैंने कंपनी ज्वाइन करी और थोड़े ही टाइम में मैं उसके क्वालिटी मैनेजर बन गई। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। देन आई थिंक आई वॉज जस्ट 21, आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। सो आई स्टार्ट डूइंग थिएटर। तो थिएटर किया दिल्ली में ही, अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ मैंने। फिर वहीं पर उसी दौरान मैंने ये फिल्म करी। तो जो प्रोजेक्ट है क्या उसका थीम है, क्या सब्जेक्ट है, और वैकेंसी वो सब्जेक्ट में आप कितने डायरेक्टली खुद को जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं कितने जर्नलिस्ट करते हो अगर ट्रैवल सर। हाँ जी, क्या सवाल एक बार दोबारा बता दीजिए। जो थीम है, जो सब्जेक्ट, उसके बारे में हाँ, जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में बताइए। बताइए जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो रिजेंबलेंस कितना करता है आपके रियल पहले कैरेक्टर से। फिल्म का नाम है द लास्ट कलर। जो फिल्म है वो बनारस में उसका शूट हुआ है और बनारस के घाट पर ही एक छोटी बच्ची है 8-9 साल की, वो रस्सी पे चलने का काम करती है, फूल बेचती है। उसकी दोस्ती होती है एक विधवा औरत से, नूर, जो कि नीना गुप्ता मैम ने वो कैरेक्टर प्ले किया है। उन दोनों के बीच की दोस्ती की कहानी है। तो वो बच्ची समहाउ कुछ पॉलिटिकल ट्रैप्स में फंस जाती है। तो मैं वहाँ पर, मैं JNU की स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ पर जर्नलिस्ट हूँ और मैं बनारस जाती हूँ, उस बच्ची को रेस्क्यू करती हूँ और उससे, उस ट्रैप से बचा करके दिल्ली लेकर के आती हूँ, उसे पढ़ाती हूँ, पालती हूँ, पोसती हूँ और बड़ा करके उसे लॉयर बनाती हूँ, जो कि बड़े होकर के विधवाओं के हक के लिए लड़ती है। तो ये बहुत ही प्यारी कहानी है, थोड़ी सी अलग कहानी है, जो रिश्तों के बारे में, प्यार के बारे में, कलर्स के बारे में बात करती है। सो मैंने थिएटर के शुरुआती, मेरे करियर के शुरुआती दौर से ही मैं नुक्कड़ नाटक मैंने बहुत करे हैं। तो जहाँ जहांगीरपुरी, सीमापुरी जैसे एरियाओं में जाकर के नुक्कड़ नाटक करती थी, छोटे छोटे लोगों से बात करती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करती थी। फिर मैंने स्टेज शोज करे बहुत सारे, तो सोसाइटी की चीज़ों को समझने की कोशिश करी और एक तरीके से मैं फिल्म में भी वही काम कर रही हूँ। मैं वहाँ पर जाकर के वहाँ के जो पॉलिटिकल स्टाफ है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ और सच के लिए और उस बच्ची को बचाने के लिए। तो कैरेक्टर इज समवेयर लाइक मी ओनली, जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ वैसा ही वो कैरेक्टर है। आपने एक जर्नलिस्ट का जो किरदार है आपने निभाया है, तो जर्नलिस्ट की रियल लाइफ को आप कितना समझ पाएंगे इस किरदार में? जर्नलिस्ट की रियल लाइफ मेरे ख्याल से कोई किसी भी इंसान की जो रियल लाइफ होती है वो आपकी और मेरे जैसी ही होती है। आप जैसे जो ज़िंदगी जीते हो, आपके माँ बाप है, आपकी फैमिली है, आपका काम है, मेरी फैमिली है, मेरा काम है। तो मुझे लगता है कि सभी, किसी की कोई रियल लाइफ अलग नहीं होती कि जी ये स्टार्स हैं तो ये एक्टर्स हैं तो इनकी अलग एक पर्सनल लाइफ होती होगी या जी। लेकिन एक जर्नलिस्ट की जिंदगी को कैसे आपने देखा इसमें, आप इस कैरेक्टर को प्ले करते टाइम एक जर्नलिस्ट की, मतलब वो किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह की जिंदगी जीते हैं, और जब ये फिल्म आपके पास आई, जब एक कैरेक्टर आपके पास आया, तो आपने किसी को देखना, किसी को सर्च करना, आपने ऐसा देखा अपने कैरेक्टर प्ले करने के लिए? जब ये फिल्म मेरे पास आई तो सही मायने में मेरा जो ऑडिशन हुआ था वो हुआ किसी और कैरेक्टर के लिए था, एंड समहाउ वो कैरेक्टर नहीं हुआ तो मुझे फिर ये सेकंड कैरेक्टर ये ऑफर हुआ। तो मैंने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, रेदर देन गोइंग अराउंड एंड सर्च पीपल, अच्छा वो कैसे करते हैं, अच्छा ये कैसे करते हैं, मैंने जो अपनी खुद की ज़िंदगी के रिसोर्सेज हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक देखा था लोगों को काम करते हुए, जर्नलिस्ट, जितनी जर्नलिस्ट से मैं मिली थी अपनी पूरी लाइफ में, थिएटर के टाइम पे जब मैं काम कर रही थी तो जैसे बाहर जाती थी, लोगों से मिलती थी, बातचीत करती थी,
तो मैंने उन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ के खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। थिएटर के शायद 3-4 साल हुए थे, तो थिएटर करते हुए ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में। जो डायरेक्शन टीम है जब वो काम कर रही थी, तो उन्हीं में से एक एडी है जो जिन्होंने मुझे बुलाया था, शायद उन्होंने मेरा कोई प्ले देखा था, तो मैं स्टेज शोज भी करती थी, तो उन्होंने कोई प्ले देखा था और वहाँ से उन्होंने फिर मेरे को बुलाया था और वहीं पर ही ऑडिशन हुआ था, वहीं पर ही सिलेक्शन हुआ था। सो फर्दर क्या मतलब आपका करियर प्लानिंग, आर यू गोइंग टू वर्क इन बॉलीवुड, मतलब कि क्या क्या करना चाहती, थिएटर करती हैं, थिएटर इन द मेनस्ट्रीम थिएटर करती हैं, तो कैसे मैनेज कर रही हैं सब करियर प्रोस्पेक्टिव पर? मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ही अगर हम थिएटर कर लेते हैं तो फिर थिएटर से अलग हो पाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी के हिसाब से टाइम आपको बहुत कम मिल पाता है बिकॉज आपके रेगुलर मीटिंग्स होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, आप शूट पर होते हो, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थिएटर करती हूँ, ज़रूर से करती हूँ। और फिल्म्स का मतलब हमेशा से यही रहा कि कुछ अलग करना है, वो कुछ अलग कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, शायद ये थिएटर की वजह से ही आया, कुछ अलग कैरेक्टर्स प्ले करने और कुछ ऐसा काम करने हैं जो अपनी एक छाप छोड़ दे। तो आपने कहा कि कुछ अलग कैरेक्टर आपको करना पसंद है, और आज के समय हम जब देखते हैं रियल बेस्ड जो स्टोरी होती है वो जो पब्लिक है, जो फैंस है, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको किसी की रियल बेस्ड स्टोरी की किसी किरदार को निभाना हो तो वो कौन सा नाम होगा? ऐसे तो कोई नाम लेना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन जब मैंने बैंडिट क्वीन देखी थी तो मुझे पहली बार वो फिल्म देख करके लगा था, मैंने कहा दिस इज समथिंग एल्स, मतलब ये किसी चीज़ को, किसी किस्से को, किसी मुद्दे को इस तरीके से दिखाना और इतनी इतनी सफाई से और इतनी ईमानदारी से पर्दे पर पेश करना बहुत मुश्किल है, तो मैं इसी तरीके के कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ जो चैलेंजिंग हो, जो स्टोरी को आगे लेकर के जाएं, और जो शायद मुझे एक लगता है जो अभिनेता होता है वो समाज का आईना हो, तो बहुत हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और अब तो सिनेमा की डेफिनेशन ही चेंज हो रही है धीरे धीरे, तो मैं चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ एंड ग्रो करना चाहती हूँ, मुझे जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं वेलकम करती हूँ करने के लिए, एंड आई एम ओपन। तो नेहा जी का फिल्म में एक कैरेक्टर नेम क्या है? रेखा सक्सेना। और नेहा जी आप पूरी टीम की बात करें तो टीम के बारे में कुछ बताना चाहेंगी, मतलब शूटिंग के दौरान का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहें अगर आप, जो आपके लिए यादगार हो लाइफ टाइम? मेरे लिए ये पूरी फिल्म और इसका एक एक मोमेंट सेट पे बिताया हुआ यादगार है, क्योंकि पहले तो ये मेरी पहली फिल्म है और जो सेट का एनवायरनमेंट था वो इतना अच्छा था, इतना हेल्पफुल था, उन्होंने कभी ये चीज़ लगने ही नहीं दी कि ये दैट यू आर अ न्यू कमर, तुम्हारी पहली फिल्म है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर है शेफ विकास खन्ना, इसके को डायरेक्टर हैं अनुज त्यागी जो कि अपने अपने फील्ड में माहिर है, तो विकास सर बहुत टाइम से काम करते आ रहे हैं, ये उनकी भी पहली फिल्म है, एंड अनुज सर अपने फील्ड में माहिर हैं, वो इतने आई थिंक 9-10 साल से वो काम करते आ रहे हैं, तो सेट का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा था। एंड या नीना गुप्ता मैम, शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, वो जितने प्यार से जितना वो काम करती हैं, वो इतनी प्यारी हैं सेट पर, मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला उनके साथ, मेरा सिर्फ उनके साथ शूट 1-2 दिन का ही था, लेकिन जितना भी मुझे उनके साथ टाइम मिला वो बहुत ही बेहतरीन था, तो वो बहुत बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। तो फर्स्ट फिल्म से ऑस्कर में एंट्री हो गई है जिस तरह से आपकी नेहा जी, तो आगे फिल्मों के लेकर कैसे आपकी तैयारी होगी, और भी कोई आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है अगर आप बताना चाहें तो? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पहली जो फिल्म करी वो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई, एलिजिबल है, एंड मैं बस यही दुआ करती हूँ कि हमारे भारत का नाम आगे पहुँचे
और मोस्ट अवेटेड जो ऑस्कर है वो हमारे भारत में आए, एंड फ्यूचर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो वो चल रहे हैं अभी, आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, बट मैं ज़्यादा उसके बारे में विस्तार में बता नहीं पाऊँगी अभी. मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप प्रार्थना करिए, 13 तारीख को इसके नॉमिनेशन आने वाले हैं कि फिल्म हमारी नॉमिनेट हो आगे, और बस आप बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए. अभी मैं बहुत नहीं हूँ, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा